हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइसर प्रो 3019 मॉडल की। दोस्तों तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर फॉग लैंप यहाँ पे देखने को मिल जाता है आपको। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आइसर की बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे, कितना बेहतरीन क्वालिटी का। और यहाँ पे आइसर का लोगो मिल जाता है देखने के लिए दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे। आइसर को माइलेज के नहीं नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो काफ़ी बेहतरीन माइलेज। और यहाँ पे देख सकते हैं वाइपर काफ़ी बेहतरीन मिल जाता है, दोनों साइड से आपको मिल जाता है वाइपर दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे एक ग्रिप हैंडल पकड़ के ऊपर ग्लास साफ करने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे इस पर चढ़ करके एक हैंडल पकड़ के वहाँ पे चढ़ सकते हैं और चढ़ के आराम से कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं, अगर गाड़ी कहीं आपको ख़राब जाती है यहाँ पे दिया गया है, इसको टूल कर सकते हैं, दूसरी गाड़ी ला खींच सकते हैं खींचने के लिए। और कुछ इस प्रकार से दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टर पट्टी दी गई है जो कि अंधेरे में काफ़ी रोशनी देती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लाइट, डबल लाइट दिया गया है। और यहाँ पे साइड इंडिकेटर, तो कुछ इस प्रकार से हाइलोजन में लाइट दिया गया है दोस्तों। और नीचे का ग्राउंड एरिया की बात कर लीजिए तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाए, हाइट मिल जाती है दोस्तों गाड़ी की। और यहाँ पर दोस्तों आइसर की बैजिंग मिल जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों ये ऊपर चढ़ने के लिए दिया गया है, कोई सामान वामान रखना है, रस्सी वस्सी उतारना है तो ऊपर चढ़ने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रूट, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैर रख के आराम से चढ़ सकते हैं। और यहाँ पे साइड इंडिकेटर दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पर शीशा देख सकते हैं, जो साइड का जो शीशा दिया है कितना अच्छी क्वालिटी है, कितना हैवी दिया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कितना, एक तरफ फोर ग्लास दिए गए हैं, यानी कि एक यहाँ पर ऊपर और दो यहाँ पर, एक वहाँ पर, देख सकते हैं दोस्तों चार ग्लास साइड में दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है दोस्तों यहाँ पे। और टायरों की बात कर लीजिए दोस्तों, तो टायर आपको यहाँ पे देखने के मिल जाता है 295/90R20। तो ये आपको टायर देखने के लिए मिल जाए, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप लोग, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का टायर मिल जाता है दोस्तों आप लोगों को देखने के लिए। और वहीं पे दोस्तों बात करेंगे तो साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे डीजल का टैंक मिल जाता है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको साइड से कोई भी गाड़ी, जैसे कि अगर साइड से कोई गाड़ी अंदर ना जा सके, इसके लिए सपोर्ट दिया गया है लोहे का, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हैवी, ताकि कोई भी गाड़ी, छोटी मोटी गाड़ी अंदर, इसके अंदर जा ना पाए। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इसका देख सकते हैं, यहाँ पर यहीं पर बैटरी दी गई है, तो देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी दी गई है। और दोस्तों यहाँ पर डीजल का टैंक दिया गया है, जो सेफ्टी भी है, बाहर से कोई दिक्कत नहीं होने वाला अंदर। तो देख सकते हैं इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे के टायरों की बात करें, 1000R20 का टायर मिल जाता है पीछे का टायर दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, पीछे का टायर काफ़ी हैवी मिल जाता है दोस्तों यहाँ पर। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है। वहीं दोस्तों पीछे की जो गाड़ी की स्टेपनी एक्स्ट्रा जो होती है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है आपको। तो यहाँ पर देख सकते हैं गाड़ी की जो स्टेपनी है, तो देख सकते हैं दोस्तों साइड प्रोफाइल इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। और अभी बात कर लेते हैं दोस्तों पीछे की प्रोफाइल की, तो यहाँ पे भी बड़े बड़े अक्षरों में आइसर की बैजिंग दी गई है, देख सकते हैं आप लोग को दिख रहा होगा। और नीचे तो दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी गाड़ी अगर पीछे से हिट करती है दोस्तों, तो ये सपोर्ट दिया गया है कि कोई भी गाड़ी अंदर जा ना पाए, तो सेफ्टी के रीजन से दिया गया है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। तो देखने के लिए मिल जाता है आपको इंडिकेटर, देख सकते हैं यहाँ पर, और उस साइड भी आपको देखने के लिए मिल जाता है इंडिकेटर। इस साइड की प्रोफाइल की बात कर ली जाए तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, इस साइड की प्रोफाइल कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिलता है आप लोगों को। और वही टायर, वही हर एक चीज़ मिल जाता है, सभी सेम मिल जाए दोस्तों। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अंदर का इंटीरियर देखने के मिलता है, काफ़ी अगर ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है नीचे। और इसका जो देख सकते हैं यूनिवर्सल जो होता है इसका, और यहाँ पे जो आपका क्या बोलते हैं इसको, सलेंसर यहाँ पे दिया गया है। और इसका जो व्हील बेस है दोस्तों काफ़ी हैवी, क्योंकि ट्रक है दोस्तों, तो समझ सकते हैं आप लोग कितना मजबूती और कितना यहाँ पे कमानी पट्टे दिए गए हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है आपको। और साइड प्रोफाइल की बात कर लीजिए दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे मिल जाता है आपको इस साइड से भी वही चढ़ने की जगह, और यहाँ पे इंडिकेटर, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर। तो दोस्तों यहाँ पे कितने शीशे मिल जाते हैं आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों दो शीशे मिलते हैं उस साइड में मिल जाते हैं, क्योंकि उधर ड्राइवर इस साइड में रहते हैं, तो इस साइड में उतना दिक्कत नहीं होता है, मेन साइड में दिक्कत उस साइड में होता है।
तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया चैनल को खाली सब्सक्राइब और वीडियो कर दिएगा लाइक। तो अभी हम चलते हैं अंदर और अंदर के इंटीरियर दिखाने का प्रयास करते हैं आपको, ड्राइवर एरिया कैसा देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ से दोस्तों लॉक का भी सुविधा दिया गया है और यहाँ से अनलॉक करते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अनलॉक कर लिया जाता है। और यहाँ पर अनलॉक करने के बाद इंडिकेटर काफ़ी बेहतरीन जलता है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए अंदर का इंटीरियर दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हैं दोस्तों अंदर का इंटीरियर कुछ काफ़ी बेहतरीन है और दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाता है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल भी पैर लड़ने की जगह, पैर आपका बिल्कुल भी किधर टच नहीं होता है, सीट एडजस्टेबल मिल जाती है आपको। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे चाबी लगी हुई है दोस्तों। और यहीं पे दोस्तों आपको मिल जाता है, गियर की बात कर लीजिए तो दोस्तों इसमें गियर मिल जाते हैं आपको, 7 गियर तक मिल जाते हैं और एक रिवर्स मिलता है यहाँ पर, देख सकते हैं दोस्तों। तो अंदर का एंट्री कुछ प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर एक ग्रेप हैंडल मिल जाता है आपको चढ़ने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों सनवाइपर मिल जाता है जो आपको धूप से बचने के लिए। और यहीं पे दोस्तों एक लाइट मिल जाती है, यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको, देख सकते हैं करेंगे। और वहाँ पे भी ग्रेप हैंडल, यहाँ पे पानी रखने के लिए, पानी के लिए भाई ने रखा। और यहाँ पे गैस वैस देख सकते हैं। तो यहाँ पर सोने की व्यवस्था भी है तो देख सकते हैं यहाँ पर आराम से एक आदमी सो सकते हैं और एक आदमी यहाँ पर भी एडजस्ट करके किसी तरह सो जाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है और उसमें AC भी मिल जाता है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बोर्ड लगवा रखे हैं और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे दोस्तों वाइपर के लिए मिल जाता है और यहाँ पे इंडिकेटर के लिए मिल जाता है तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे जो इसकी बैजिंग है, बैजिंग मिल जाती है और मीटर यहाँ पे इस प्रकार से मीटर मिल जाता है। तो मैं आपको गाड़ी और दोस्तों आपको चाबी लगाने के लिए यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर कुछ मिल जाते हैं जो आपको सेटिंग करनी होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर AC का लिए मिल जाता है आपको। और वहीं पर दोस्तों यहाँ पर नीचे की बात कर लीजिए पाइप, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर सब यहाँ पे दिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छा और लंबा दिया गया है इसमें, जो कार और काफ़ी इनसे काफ़ी बड़े बड़े हैं इसमें। तो यहाँ पे म्यूजिक के लिए लगाया गया है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो कर दिएगा लाइक। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।